पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। वैज्ञानिक एक रोग के ऊपर कंट्रोल करने की चेष्टा करते हैं, इतने दूसरा चार हो जाता है। पहले अक्षय रोग था, उस पर कंट्रोल किया तो कैंसर होगा, हो गया। कैंसर का भी 10-2% को सहारा मिला तो आगे से एड्स शुरू होगी। अब तेरा गजब, एक तो एक आगे नई बीमारियां, किसी का कोड लग गया, किसी का किसी प्रकार की तकलीफ, किसी का बेटा मर गया, किसी का पूरा परिवार नष्ट हो गया। अब कलयुग में इसलिए परमात्मा ने कहा था कि मैं अपने बच्चों को कलयुग में संभालूंगा कि कलयुग में पिछले तो पुण्य आपके पास रहेंगे नहीं, प्रारब्ध में बहुत कम पुण्य आएंगे तुम्हारे हिस्से में और दुख होंगे गणे। और जो पूजाएं तुम उस समय कलयुग में आप कर रहे होगे, जो काल के द्वारा भ्रमित, कोई देवता की, कोई भैरव की, कोई भूत की, कोई पितर की, या काल के द्वारा भेजे गए नकली संतों की, ये 10-12 संत पंथ बना रखे हैं, 15-16 पंथ हैं और भी, ये नए नए पंथ चल गए, इनमें भी आप पूजा कर रहे होगे तो भी आपको लाभ नहीं होगा, क्योंकि आपके पिछले संस्कार नहीं हैं। तो उस समय परमेश्वर ने कहा था कि तू मैं आप तो काल ने ये कहा था कि कलयुग में इनको ऐसा कर दूंगा, ये भक्ति के योग नहीं रहेंगे, शराबी, कवाबी, स्वार्थी, निर्लज, ऐसी पिक्चरें बना दी। देखते आप देख लो पश्चिमी देशों में नगन नाच हो रहा है, सरेआम जो घूम रहे हैं जैसे पशु घूम आकर नंगे, कोई कुर्ते के छोटे छोटे कपड़े पहनकर बहन बेटियां भी सरेआम ऐसे घूम रही है, तो ऐसी निर्लजता कर दी। अब ये हमारे समाज में भी घर करने लगी। पहले ओठों पर लिपस्टिक, ये नाखून पॉलिश और उस तरह के लटक मटक, ये पाउडर पाउडर चटक मटक, ये कोई बहन बेटी हमने करती नहीं देखी। ऐसी वो वैसाएं क्या करती थी, उनको घटिया औरतें माना करते थे। और आज देख लो, जब कोई भी पीछे नहीं रही बहन बेटियां, इसी बूंदी पॉलिश लाऊंगी, इस पूरे नौ न लाल कर लेंगी मुंह, इसका बूंदा लाल, देखते बूंदा लाल, शक्ल भी ना अच्छी लगे। तो इस तरह की ड्रामाबाजी इस काल ने करवा दी, हमें निर्लज बना दिया। और सरेआम डांस करती हैं ब्याह शादी में, बेटियां नाचे, उड़े बाप नाचे, उड़े बेटी नाचे, उड़े मां नाचे, अरे थरा गजब। वैसा ही नाचा करती थी कि तो बंद कोठों में, आज सरेआम नचा दिए काल ने हमारे को, हम निर्लज हो गए। अब इस समाज को देखो, कल बताया था आपको कि इस शिक्षा का अवगुण घना है, लाभ एक है। और ये लाभ सब अवगुणों को सेट कर देगा कि अवगुण ये है कि निर्लज्जता, चातुरता, हम एक दूसरे के जो है ना प्रिय नहीं रहे, अपनी चतुरता के कारण काग बन गए। काग क्या करता है कि जैसे कौवा होता है, गधे की चोंच कमर टूटी होती है और उस दुखती उस जख्म को ही दूनी चोंच मार मार कर उससे खाता है। हम इस चतुरता के कारण रिश्वत लेते हैं, किसी का काम नहीं कर अधिकारी रो पैसा लेने के लिए उनको 100-100 ऑब्जेक्शन लगाकर चक्कर कटाते रहते हैं, कोई 2 का 20 बनाते हैं, सब घी में मिलावट, दूध में मिलावट,
सब्जी में हर चीज में मिलावट। कहते हैं ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं बेल कर तोरी तड़के इतनी लंबी हो पावे, थारा गजब है। सिर्फ वो बेचन खातिर कि थारा पैसा, तुम्हें पैसा मिल जाए हुकंड क्रुक। तो ये चतुरता आ गई। अब डॉक्टर लोग देख लो, सभी तो नहीं हुआ करते लेकिन 80% इतना जुल्म करते हैं। 2 रुपये का 100 रुपये मांग ले, 200 मांग ले, कोई टाल नहीं, 500 मांग ले 1000 गरीब आदमी से। और भी किसी स्तर में देख लो आप, कोई पीछे नहीं रह रहा। जिसका भी जहां दाव लगता है वो तुरंत डंक मार देता है। जिसके पास कोई मिलावट में रोड करने सथाना नहीं है वो तो करेगा कहां से। तो अब इसमें अवगुण तो इतने हो गए, माया माया दिखाई देती, ना भाई दिखता, ना बाण दिखती, ना भगवान दिखाई देता। और गुण इसमें एक है इस शिक्षा में कि हम अपने सदग्रंथों को स्वयं पढ़कर भगवान पहचान लेंगे, और इस भगवान के पहचानने के उपरांत इस ज्ञान को सुनने के बाद अपने आप ये माया की हवस नष्ट हो जाएगी। क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि हमारे 2 नंबर के काम करने से धन नहीं जुड़ सकता, पैसा नहीं रह सकता, क्योंकि हमारे भाग्य में नहीं है। और भाग से ज्यादा ले लिया तो ना जाने किस प्रकार जाएगा। एक भक्त ने बताया कि मेरा इकलौता पुत्र बीमार हो गया और मैं उसके ट्रीटमेंट के लिए, पहले तो किसी ने बताया इस पर छाया है, इस पर प्रेत है, जंतर मंत्र करने वालों के पास लौटा, 20-30 हजार रुपये वहां लगाए। फिर डॉक्टर लोकल हॉस्पिटलों में दिखाया, वहां काफी पैसे लगे। फिर बताया इसके दोनों किडनी फेल होगी, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली गया, वहां किसी से रिश्तेदार से ले लिवा गए वो गुर्दा, पैसे वैसे दे कर कहते साढ़े उसके 3 लाख रुपए लड़के के लगे, दोनों किडनी चेंज कराई। वो किडनी तो सफल होगी, सुख की सांस ली, 3 लाख रुपये लाग गए। और 6 महीने के बाद वो इकलौता पुत्र बस एक्सीडेंट में मर गया, और तेरा गजब है, टक्कर मार मार कर रोया। उसने जब ये ज्ञान सुना कि जो तुम 2 नंबर से पैसा इकट्ठा करना चाहते हो तुम्हारे भाग्य में नहीं है, अगर ऐसा इकट्ठा कर भी लोगे तो अगर 2 लाख कर लिया तो 3 लाख रुपए तुम्हारे ना जाने किस कारण से कहां से निकल जाएंगे, और वो पाप रह जाएंगे जो के तो जो आपने फिर भोगने पड़ेंगे, वो पाप यो के यूं रह जाएंगे, पैसा नहीं रहेगा जो तुम्हारे भाग्य में नहीं था, तुमने धक्के से कहीं से इकट्ठा भी कर लिया था। तो उसने फिर अपनी कथा बताई कि जैसे ऐसे मैं बहुत जुल्मी आदमी था, अब आपके ज्ञान से आंखें खुल गई। 2 रुपये की रील आया करती 20-30 साल पहले 35 साल पहले, ये कैसेट होती है टेप की, ये टेप चले चले थे उस टाइम, और उस पर दूसरी कंपनी जो अच्छी व्यक्ति थी उसकी मोर लगा देते थे एक, और 2 रुपये के रिफल थोक के वाला आता था तोल के पास है, और 35 रुपये की बेचा करता था कैसेट किसी, और कोई खराब हो जाती धमका देता था भाग जा, ओरिजिनल दे रखी थी बनता है। तो आज मेरे साथ ठीक बनी, और थोड़ी सजा है मुझको आपके ज्ञान से पता लग गया, मेरे जैसे दुष्ट को दो सजा चाहिए थी। तो पुण्यात्माओं इस ज्ञान से इस माया की हवस को तो खत्म कर देंगे, निर्लजता भी खत्म हो जाएगी। हमारी बहन बेटियों देख लो यहां पर किस प्रकार आती हैं, एक देवी आया करती हैं ऐसे, ना कोई फंड करती, अपना सीधे साधे कपड़े पहन कर जो एक आम सभ्य समाज में होना चाहिए ऐसा इनका व्यवहार हो गया है। और जाके देख लो कितने सहरा में कार्टून बने अंडे हैं लड़कियां। तो पुण्यात्मा इसको सेट कर देंगे, लेकिन ज्ञान इस शिक्षा की आवश्यकता इसलिए थी कि हम अपने सदग्रंथों को समझकर उस भगवान को पहचान लेंगे, ये अति आवश्यक था। तो परमात्मा कबीर जी ने ये शिक्षा अब सार्वजनिक करनी पड़ी, नहीं पहले केवल एक वर्ग पढ़ता था, एक वर्ग ब्राह्मण, और उस बाकी सब अपना धंधा करते थे, रोटी का जैसा भी धंधा था, कोई पाली जा करता, कोई भेड़ बकरियां पालता था, उनकी ऊन बेच के गुजारे करते थे, खाते नहीं थे, कोई गायें पालते थे, कोई खेती करते थे, कोई मजदूरी करते थे, अपना ठीक टाइम पास कर रहे थे। ऐसा ही काम हमने चाहिए था, और भगवान की भक्ति साथ चाहिए थी। चाहे कोई आज अफसर है, चाहे गरीब है, अमीर है, मजदूर है, किसान है, चाहे दुकानदार है, अगर वो नेक नीति से काम करे अपना और भगवान की भक्ति करता रहे तो सबका मोक्ष होगा,
बुराई छोड़नी पड़ेगी, दो नंबर का धंधा त्यागना पड़ेगा और समर्पण भाव से प्रभु के चरणों में आपको लगना पड़ेगा, मोक्ष दूर नहीं है। अब आपका सौभाग्य है कि परमात्मा ने अब ये समय सिलेक्ट कर रखा है, पूर्व निर्धारित था कि कलयुग में जब पिछली पीढ़ी आवेगी तब इन अंशों को मैं पार करूंगा। प्रथम पीढ़ी में परमात्मा, प्रथम जो पीढ़ी थी, प्रथम चरण में आज से 600 वर्ष पहले कबीर परमेश्वर प्रकट हुए स्वयं, और उन्होंने वो लीलाएं करके दिखाई जो भगवान किया करता है। जैसी लीलाएं कबीर परमेश्वर ने की, आज हमारे वेद बताते हैं कि वो परमात्मा ऐसे आता है, छोटा सा शिशु रूप धारण करके आता है, फिर उसकी परवरिश कुंवारी गांव से होती है, वो बड़ा होकर के फिर अपना ज्ञान प्रचार करता है, उसको लोग कवि कहने लग जाते हैं, वो एक सुप्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त करता है, लेकिन वो परमात्मा होता है और वो ऊपर तीसरे धाम में रहता है, सतलोक में रहता है, वहां से चल कर आता है, गति करके आता है, अपनी प्यारी आत्माओं श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, और जो उसकी शरण में आ जाते हैं उनके सर्व रोग, हर तरह के किसी प्रकार की बीमारी है गर्भ में, शरीर में, या कोई और आपत्ति है, कर्म दंड है, उन सब को नाश करके उनको सतभक्ति देता है, सुखी करता है, और सतभक्ति करवा के उनको सतलोक ले जाता है। वो था पहला चरण। तो उस समय परमात्मा ने आकर अपने अमृत वाणी में, सूक्ष्म वेद में, कबीर वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में ये सारी सृष्टि रचना, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति, ब्रह्म की उत्पत्ति, अक्षर पुरुष की उत्पत्ति, और सत भक्ति कैसे करनी चाहिए, कौन है वो परमात्मा जो पाप नाश कर सकता है, ये अपनी महिमा आप ही आकर बताई। आपने कल वेद में पढ़ा कि वो परमात्मा कबीर देव अपने द्वारा रची हुई सृष्टि और सभी देवी देवताओं के जन्म आपकर स्वयं ही बताता है, स्वयं ही ठीक ठीक विस्तार से बताता है, और दूसरा कोई नहीं जान सकता उसकी द्वारा रची हुई सृष्टि। जब परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, सन 1398 में आकर काशी शहर के एक लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर एक शिशु का रूप धारण किया था, वहां से नीरू नीमा नाम के दो मुसलमान जो लाए थे दंपति, वो उठा ले गए थे प्रभु को। वहां लीलावत परमात्मा जब बड़े हुए, जो 25 दिन के हो गए, तो उन्होंने कुछ भी आहार नहीं किया था, तो उसमें कुंवारी गायें का दूध परमात्मा ने अपने ही लीला से एक कुंवारी गाय मंगवाई थी, भगवान शंकर जी को भी प्रेरित करके वहां भेज दिया था। ये अलग कहानी है, फिर बताएंगे। तो कहने का भाव यह है कि जब कलयुग में परमात्मा आए, प्रथम चरण में धर्मदास नाम के एक सेठ, बांधवगढ़ के रहने वाले बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे, वो मिले। वो ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी थे, जैसे हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण हम सभी वैसी ही पूजाएं किया करते थे, इन्हीं भगवानों को सर्वेश्वर मानते थे, पूजा के योग मानते थे। तो जब धर्मदास जी को परमात्मा ने ये ज्ञान कराया, धर्मदास जी ने भी एक हिंदू धर्म की रीति से एक रूपदास नाम के गुरु बना रखे थे। उस रूपदास जी ने जैसा भी उनको ज्ञान फीड कर रखा था वो सारा वो जानते थे, गीता जी का पाठ करते थे, पुराणों को भी एक श्रोधार्य मानते थे। तो परमात्मा कबीर जी ने धर्मदास जी को सभी ग्रंथों में बताया कि इसमें ऐसा लिखा है, इसमें ऐसा लिखा है। अब धर्मदास जी पढ़े हुए थे, उसने देखा सारे सदग्रंथों में ऐसा लिखा है, गुरु जी जो बता रहे हैं सत्य है, लेकिन धर्मदास जी की बात को कोई मानने को तैयार नहीं था। धर्मदास जी ने कहा, प्रभु आपने जो ज्ञान दिया ये मेरे हृदय में समा चुका है, और इस ज्ञान को कोई भी सुनने को तैयार नहीं है, रिश्तेदार से कहता हूं वो भी उल्टा होता है, तो मुसलमान बन गया है, तो देवताओं के बारे में गलत बोलता है, तेरी जीभ कट जाएगी, तेरा नाश हो जाएगा, अब मेरे पीछे पड़ लेते हैं। तब परमात्मा बोले, धर्मदास तो ये लाख दुहाई, ये सार ज्ञान की तबार ना जाई, ये जो ज्ञान इब्बा मत बताइए किसी ने, धर्मदास तो ये लाख दुहाई, ये ज्ञान अभी ना बताना कि ब्रह्मा विष्णु में इसके माता पिता है, उस वहां लिखा और वहां लिखा है, अभी रुक जा, तेरे को बता रहा हूं मैं, नहीं तो ये नकली संत, ये नकली ऋषि, मैं ऋषि आ गई, ये डोल पीटते पाओगे, और सत्य कलियुग के अंदर इस काल से मेरा वचन है कि पिछली पीढ़ी में इनको मैं ये सारा खजाना दे दूंगा अपने बच्चा थी, और ये सारे नकली संत फेल होएंगे उस समय जाकर के, जो गीता और वेद और पुराणों के आड़ में रोटी खा रहे हैं, तो तब मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे,
अब तो इसका जिक्र मत करना कहते हैं। धर्मदास तो लाख दुहाई पुणात्माओं, इतना बढ़िया ज्ञान मेरे पास है कि डटा जा आदमी, उसने बता दो उसने बता दो कसूती ललक उठा। इब आप हो, आपको जब ज्ञान हो जाता है अपना मोक्ष तो आप भूल जाते हो, मेरा तो मोक्ष होगा ही होगा, फिर भाई को बहन को रिश्तेदार को सबको सुनाने की चेष्टा करते हो, ऐसी उमंग भर जाती है, ऐसी प्रेरणा होती है, स्वाभाविक है और यह होनी भी चाहिए। लेकिन धर्मदास को परमात्मा ने रोक दिया था कि तू बस जिक्र मत करना। धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार ज्ञान मूल ज्ञान की तबार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी हंसनी तरही, और मूल ज्ञान को जब तक छुपाई तब तक छुपाई जब तक ये द्वादश पंथ ना मिट जाए। अब ये सारे पंथ खत्म हो लिए, कंडम हो लिए, इन सभी पंथों की आज तक जितने भी पंथ थे सबके द्वारा लिखी हुई अनुभव की पुस्तकों को इस दास ने पढ़ा, और वेदों के ज्ञाता जो समझे जाते थे उनके अनुभव की पुस्तकों को देखा, सब यूजलेस पाई, उनकी सीडी बना दी, उनके फोटोकॉपी बना दिए, ऐसे प्रोजेक्टर में दिखा दिखा के पूरे समाज में बेच दी कि ये बताते थे। अब ये कह नहीं सकते कि हम ऐसा ज्ञान नहीं देते थे, क्योंकि उन्हीं की पुस्तक उन्हीं के द्वारा पढ़ दास ने बोलकर सुनाकर सबके सामने रख दी। अब इनकी अब ये सूख जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, खत्म हो गए ये समझो, क्योंकि बुद्धिमान समाज है, इस ज्ञान को समझकर तुरंत समझ जाता है कि उन संत के पास कोई ज्ञान नहीं है। अब ये सभी पंथ नष्ट हो जाएंगे, कैसे होंगे धीरे धीरे, थोड़ा समय लगता है लेकिन हो जाएंगे। जैसे पहले हम छोटे छोटे थे, वर्षा के दिनों में कहीं खेतों में, किसान के घर जन्म था इस दास का, तो खेतों में जैसे किसी ने आम खाया और फेंक दी गुठली, वो वर्षा ऋतु में फिर वो उग जाते थे, वो कहीं किले के बीच में कहीं कहीं पर ऐसे छोटे छोटे पौधे उगाते थे, हम उनको वहां से निकाल कर और एक ऐसे स्थान पर लगाते थे जो फिर खेती करते समय डिस्टर्ब ना करें और पौधे भी बन जाए, पेड़ भी बने, तो हम वहां से उखाड़ते थे ना, और किसी की नीचे से मिट्टी हट जाती थी, वो जड़ उसकी जड़ें दिख जाती थी, तो यूं कहा करते तेरा पौधा कोई ना लागे सूखेगा, तेरे पौधे की जड़ राम ने देख ली, तेरे पौधे की जड़ राम ने देख ली, सूखेगा, और वो सूख जाता था, क्योंकि वहां से पाड़ के लांदे फिर दूसरे खेत में ले जाते, इतना वह मट्टी जिसके नहीं होती उतना वह पौधा ठीक वो रहती नहीं उसके अंदर वक्षता, तो वहां लगाते तो वो सूख जाया करता, एक दिन दो दिन पर दो दिन अधिकता फिर सूख जाता था। तो अब इन सभी पंथों की जड़ राम को दिखा दी परमात्मा को ने, इस दास ने इनकी जड़ दिखा दी समाज को कि इनके पास यो धन था, तुमने मूर्ख बना रहे थे, ना कोई भक्ति का पता, ना ज्ञान का पता, ना कोई इनके पास मंत्र सही, ये आपको काल के जाल में फंसाएंगे। तो अब ये परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार ज्ञान ये मूल ज्ञान की तबार ना जाई, और फिर ये कहा था कि मैंने तेरे को ये सारे मंत्र दे दिए, ये तीनों मंत्र दे दिए थे धर्मदास जी को परमात्मा ने, ओम तत् और सत। तत् भी सांकेतिक है और सत भी सांकेतिक है। अब परमात्मा ने कहा था कि ठीक है, इस ओम और तत् जो दूसरा मंत्र है ये तो तू डिक्लेयर कर भी सकता है, लेकिन सार शब्द जो तीसरा मंत्र है, जो सत शब्द है, जो सत तीसरा नाम है, उसके विषय में तू जिक्र मत करिए, किसी को मत बताना। धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द की तबार न जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसनी करी। अब आज तक इस पूरी पृथ्वी पर ये दो मंत्र का जाप तो सार्वजनिक पहले भी हो चुका था इस गरीबदास पंथ में, कबीर जी ने भी अपनी वाणी में लिखा है, ओम और दूसरा मंत्र जो तत् है ये दोनों मिलकर सतनाम बनता है, लेकिन इसको ना कबीरपंथी समझ सके ना गरीबदास जी वाले समझ सके, ये मंत्र क्या है, ओरक में मंत्र देते रहे और वो क्लियर लिखा हुआ है, लेकिन सार शब्द फिर भी गुप्त रखा है। धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द की दबार ना जाए, इस सार शब्द के बारे में केवल इस दास को अधिकार है,
आपको देने का इससे पहले किसी को अधिकार नहीं था, और अब ये सारी आपको सब मंत्र मिलेंगे, आपका मोक्ष होगा। आपका सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आपका जन्म इस कलयुग में हो गया, उस चरण में आज बैन उठ गया इस काल का। आप सभी पार हो गए, चाहे कोई मजदूर है, चाहे कोई सेठ है, चाहे राष्ट्रपति है, यदि वो सतभक्ति और समर्पण भाव से करेगा तो सभी की जहाज में बैठकर सतलोक जाएंगे। ये ऐसा मंत्र है, आपको दिया जाएगा, ऐसा ज्ञान है। सबसे पहले आपको विकार रहित किया जाएगा, सब बुराई छुटाई जाती है, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू चोरी चप्पा ये रिश्वत वगैरह ये सारी त्यागनी पड़ेंगी। फिर देखना तुम्हारे घर में बरकत है, कितना आपको सुख देगा भगवान, आप सोच भी नहीं सकते। और आप ये सोचा करोगे सचमुच परमात्मा सुना करते ऐसा सुख देता है, आपके घरों में डेली होया करेंगे। जैसे कल आपने देखा, कल आपने सुना उस गरीब परिवार की कहानी कि मेरा छोटे से का बाप मर गया था और पिताजी की मृत्यु हुई, जब लोन ले रखा था बैंक से, वो लोन भर नहीं सका, हमारी बहुत खस्ता हालत थी और माता अकेली रहेगी कुमान वाली मजदूरी करे, और लोन आ गया कई हजार रुपए रोजाना, महीने दो महीने में बैंक से वो लेटर आ जाए तुम्हारा इतना लोन है भर दो। तो उनकी माता गई थी वहां पर बैंक में कि भी ये तुम्हें पर्ची भेजी है, इसका सारा तो मैं नहीं भर पाऊंगी और जो ब्याज रहित अगर लेना चाहो तो मैं दे सकती हूं, इस तरह कुछ सोचकर गई थी वह, कोई क्लियर करो उन तक। तो कलर कहने लगा तुम्हारा बैंक में कोई लोन शेष नहीं है, तुमने सारा भर रखा है। वो उसके साथ शरोरी है कि तू ढंग से नहीं देखता है, तुम कल ने फिर मेरे समारे पर और दुगना तिगना बना के भेज दोगी, तो ढंग से बता मेरे को। उनकी दोनों की लड़ाई ऊंचे ऊंचे बोलने लगे, बैंक मैनेजर आ गया। कहने लगा बहन क्या झगड़ा है तुम्हारा? बोला जी मेरा हमारे यहां चिट्ठी भेज रखी तुमने है, और ये हमारे ऊपर लोन है, यू नो कह लोन तुम्हारे पास है नहीं, तुम फिर इसका दुगना बना के भेजोगे, हम थोड़ा थोड़ा देना शुरू करें जैसा हमारी गुंजाइश है, कुछ करा इसका तो बताओ मुझे, क्लियर बताओ। बैंक मैनेजर ने बोला जा बहन जी मैं देखूंगा, मैं खुद चेक करूंगा। उसने खुद चेक किया, कंप्यूटर में देखा तो कहने लगा तुम्हारा सारा लोन क्लियर है। वह फिर शर होगी, बोली तुम मत बकाओ मेरे को, ये तुमने चिट्ठी भेज रखी। वह चिट्ठी उसने दी पाड़ और लिख कर दे दिया कि तुम्हारा कोई लोन नहीं है, समोर मार दी। बोलो सतगुरुदेव। अब परमात्मा ने कैसी रजा करी, उनके अकाउंट तो लोन ने खत्म कर दिया, उनके अकाउंट में ही नहीं रहा, नहीं तो वो उनके ऊपर पड़ा कलर का बेचारा गए, मान लिया वो लिख के भी दे देते थे, तो उनके उस खाचा में सारा खत्म कर दिया। और परमात्मा ने की अलग है देरी, वो घर भर दे परमात्मा आपका पैसे से, ये सच कर मान लेना। ऐसे भक्त हमारे को बताते हैं जी मेरे एक बार 5,000 रुपये बन गए, इतने पैसे धरे थे, 3 बार गिन का गरीब आदमी और 5,000 रुपये बड़े पाए। तो पुण्यात्माओं विश्वास रखना मालिक पे, दो नंबर के धंधे करके दूने पाप कमाओगे और अंत में पापों की गाड़ी भर ले जाओगे। यहां परमात्मा आपके आने वाली आपत्तियां, जैसे आपके ऊपर कोई पाप कर्म के कारण कोई दंड आना, उसको भी खत्म करेगा। तो इसलिए परमात्मा बताते हैं अपनी महिमा, आप बताते हैं आजा बंदे शरण राम की फिर पाछ पछतावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की फिर पाछ पछतावेगा। इसलिए परमात्मा कह रहे आ जाओ तुम अब भी मेरी शरण में। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक को प्राप्त होगा। परम शांति के वहां जाकर तुझे परम शांति होगी,
वहां कोई कष्ट नहीं उस सतलोक में। वो कैसा है वो सतलोक भाई? शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। उस सतलोक के अंदर कोई दुख नहीं, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, बुढ़ापा नहीं। इस जीव के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है बुढ़ापा। मृत्यु भी देखी जा, चल हो जाया तो एक दिन कट जा टंटा। ये बुढ़ापा है ना, ये रुआ ले से इस प्राणी को। और इस कलयुग में तो और ज्यादा ना बालक अच्छे रह रहे, ना कोई ऐसी पुत्र वधुओं को ज्ञान रहा, बेटियों को जो थोड़ी बहुत दया धर्म भी वो खत्म होती जा रही है। तो इस प्रकार ये बुढ़ापा, इस समय का बुढ़ापा सबसे बड़ा कहर होगा आपके लिए। पहले तो लाज शर्म कराया करते, कोई पड़ोसी कह देता, रिश्तेदार से भी डरा करते, भी कुछ आकर टोक देगा, बुढ़े ही सेवा ना करते। इब तेने कहते तू ले जा, तेने गणा अच्छा लग गया तो कर ले सेवा इसकी। तो इतने निर्लज हो गए हम। तो अब हमने भगवान की घनी जरूरत है, और सही भक्ति करेंगे तो बुढ़ापा आपका ऐसा कट जाएगा ना, बेरा बिना पटन दे भगवान। सौ तो दर्दा तो दूर करेगा, कोई आपत्ति आओगी हल्की सी करके टाल देगा आपको। आखिरी सांस तक आपका हाथ पैर चलते रहेंगे, आपको स्वस्थ रखेगा। तो ये बुढ़ापे वाला कहर भी टल जाएगा और सतलोक भी प्राप्त होगा। और इस मार्ग पर कैसे लगना चाहिए, इस मार्ग पर हमने कितना समर्पण चाहिए, कितनी दृढ़ता चाहिए। बालकों का खेल नहीं है ये। हम एक तो स्वार्थवश लगे रहे, दो चार काम हो गए, एक कार्य नहीं सरा तो मन में दोष आ जाता है, कोई लाभ नहीं हुआ। हमने टारगेट जो बना रखा होता है, अगर वो हो जाए तो हम समझते हैं भगवान ने ठाठ कर दिए। और हो सकता है जिसको, जिस उद्देश्य से आप परमात्मा से डिमांड कर रहे हो और वो वस्तु आपके लिए आने वाले समय में आपके लिए हानिकारक हो, तो परमात्मा वो आपको देगा नहीं, वो नहीं देगा यदि आप भगवान से की शरण में हो। और आपको वो नहीं देगा क्योंकि मेरी आत्मा को ही बर्बाद कर देगा, लगे लगाए पौधे को नष्ट करेगा। और आप ये सोच लेते हो परमात्मा ने ये हमें लाभ क्यों नहीं दिया, और आप भगवान से दूर हो जाओगे तो आपका दुर्भाग्य होगा। इसलिए सर ये रह रहकर ज्ञान दिया जाता है कि आप रोगी हो और ये हॉस्पिटल है जन्म और मृत्यु के रोग को काटने वाला। ये वो दीर्घ रोग है जो ना ब्रह्मा से कट सकता, ब्रह्मा का अपना नहीं कटिया। विष्णु जी को भी ये रोग है, ब्रह्मा जी को भी रोग है, विष्णु जी को भी मृत्यु का रोग, जन्म मृत्यु का रोग है। इस ब्रह्म को भी जन्म मृत्यु का रोग है, पर ब्रह्म को भी है। केवल एक परम अक्षर ब्रह्म है, वो परमात्मा जो जन्म और मृत्यु के रोग को काट सकता है। और वो ये हॉस्पिटल है बरवाला आश्रम, सतलोक आश्रम बरवाला, यहां पर उस दीर्घ रोग का ऑपरेशन होता है। अब सच परमात्मा के दरबार में आप आगे, जैसे आप हॉस्पिटल चले जाते हो, आप हॉस्पिटल में जाके आप डॉक्टर को अपना रोग बता देते हो, डॉक्टर अपनी जांच करके क्लियर कर लेता है कि हाँ आपको ये रोग है, फिर वो आप कहते हो जी ट्रीटमेंट कर दो। तो उसमें डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करता है, आपका जो है इलाज करता है, तो उसमें आपकी सलाह नहीं लेगा, वो अपने हिसाब से आपको इंजेक्शन लगाना, इंजेक्शन लगाएगा ही लगाएगा, ग्लूकोज लगानी है ग्लूकोज लगाएगा। और यदि ऐसी कोई स्थिति आ गई तो आपका ऑपरेशन भी करेगा। हाँ, इतना अवश्य बता देगा कि इसके ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ेगी, बोल तरीके सलाह है। यदि आप कहोगे ऑपरेशन नहीं कराता तो जा अपने घर में मर, ऑब्जेक्शन है तो जा, फिर जाते बरेगा। तो ऐसे ही यहां आप आगे, और ये दास डॉक्टर है, परमात्मा कबीर जी की पावर से सारा काम होगा। तो आपको जैसा भी कुछ मिले, जैसा भी मालिक रखे, आपको नो ऑब्जेक्शन होना चाहिए। यानी जो रखे तो ही रहो, मेरा के तारा खाने जाद खरीद हो गुलाम तुम्हारा। परमात्मा जैसे भी आपको रखे, अब चाहे आपको ये दिखे कि हमारे ये हानि होगी, नहीं हानि नहीं, ना जाने के बड़ा कहर टाल दिया आपका, आप नहीं सोच सकते, आप बालक हो। एक 2,000-10,000 रुपए की हानि में आपका 10 लाख का नुकसान भी टाल देगा परमात्मा।
और आप ये सोचोगे कि हमें ये हानि नहीं होनी चाहिए थी, हमने नाम भी ले रखा है, तो ये आपकी गलती है। अपुण्य आत्माओं, परमात्मा कबीर देव जो है ये हमारे पाप कर्मों का नाश कर देता है। अब जैसे आप सोचते हो कि भी हमें ये हानि नहीं होनी चाहिए थी, हमें ये नहीं होना चाहिए था, तो फिर आप इस भक्ति का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे आप यहां आए हो, आपको एक दो तीन लाभ तो परमात्मा कबीर जी अपने कोटे में तो देगा, ऐसा लाभ देगा आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे ऐसा सुख होगा। भगवान है परमात्मा। अब यहां जो भाई बहन आते हैं, जो दो वर्ष तीन वर्ष के लग रहे हैं, चार वर्ष के पांच वर्ष हो गए, वो शुरू शुरू में आते हैं तो ये कह दिए हमारा ये नुकसान हो गया, ये लाभ नहीं होता, ये बीमारी होगी, ऐसा नहीं होता। दो वर्ष के बाद जो सच्चे दिल तो लगते हैं, नाम खंड नहीं करते, दो वर्ष के बाद उनके पास जुबान नहीं रहती, हम के मांगा भगवान से, बिना मांगे देने लग जाता है, इतना सुख दे देगा आपको। अब वो जो नए नए आते हो तो अपने दुख बताते हैं, और उनको क्योंकि आपके पिछले पुण्य नहीं थे, बैटरी चार्ज नहीं थी, तभी तो आपको दुख हुआ, आपके प्रारब्ध में वो पाप थे, अब परमात्मा ने आते ही वो पाप काट के आपके सुख लिख दिए, तो अपने कोटे से आपको दिया। फिर आपको कहा जाता है कि बेटा बच्चा बेटी, अब तू भक्ति करके इब अपनी कमाई स्वयं कर। एक दो सुख तो इसलिए दिया जाता है कि ये पहचान लेके भगवान है यहां पर, और फिर आपने स्वयं अपनी मजदूरी करनी पड़ेगी, तभी तुम सेठ होगे। तो यहां आते हो, जैसे कोई भक्त आता है, पहले तो आप सच्चे दिल से शुरू शुरू में लगते नहीं, यदि आप शुरू से समर्पण कर दो और छोड़ दो सब पूजाओं को, देखना आपके ऊपर एक वर्ष के अंदर वारे नारे कर देगा भगवान, लेकिन नहीं कर पाते। उसके लिए काल ने हमें कैसे बांध रखा, जैसे एक परिवार में एक आदमी नाम ले लिया एक व्यक्ति ने, और पांच व्यक्ति अनुपासना करने वाले, तो आपके नियम को वो खंड करवा देते, और फिर आपको हानि होनी बराबर रह जाती है, वो लाभ पूरा नहीं मिलता। फिर आपको समझाया जाता है, दृढ़ किया जाता है कि ये पूजा मत कर, अनुपासना नहीं करनी है। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, सौ वर्ष तक सतगुरु पूजा, एक दिन अनुपाती, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। सौ वर्ष आपने साधना कर रखी है, परमात्मा की साधना सच साधना, एक दिन अनुपासना कर ली, अन्य देवी देवताओं क्रियाक्रम कर दिया, तो तेरा सारा नष्ट हो जाएगा, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। यानी वो पिछला किया हुआ नष्ट नहीं होगा, लेकिन काल के जाल में फंस गया, नाम टूट गया, और काल फिर तेरे पिछले पुण्य के आधार पर तुझे नचाएगा, स्वर्ग में देवता बना देगा, ब्रह्मा विष्णु महेश बना देगा, पदवी दे देगा, फिर आपकी मलाई जो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर गधे की योनि दे देगा, यानी काल की फांसी में फिर रह गया। तो ये साधनाएं आपने जो हम बताते हैं, शुरू में ही प्रारंभ से ही दृढ़ निश्चय करके आओ, और सब आप अनुपासना को और सब मर्यादा जो आप हमारे नियम को भंग करती हैं, इनको तुरंत त्याग दो, और फिर देखना। अब जैसे कोई भक्त आता है, अनजान जो ज्ञान नहीं समझ रहे, वो कहते हैं जी मैंने, मेरे को ना चार महीने हो गए नाम लिए ने, मेरे को दस महीने हो गए और मुझे कोई लाभ नहीं हो पा रहा, मैंने पाठ भी करा दिया, ज्योत भी बोल दी। उसके दो कारण हो सकते हैं, एक तो ये है कि आपने बीच में कोई नाम खंड किया हुआ है, या आपका नाम खंडित है। जब नाम कनेक्शन कट गया तो पावर आवेगी नहीं, तो बिजली नहीं आएगी, तो आपके पंखे चाले ना कूलर चाले। दूसरा ये कारण हो सकता है कि आप जैसे सर्दियों के मौसम में आपने स्वेटर भी पहन रखी है, जूते भी पहन रखे, और फिर भी आपको सर्दी लग रही है, तो क्या कारण है कि सर्दी घनी है। सर्दी घनी है तो उसका क्या उपाय है कि जर्सी और पहन, और जर्सी से भी सर्दी लग रही है तो कंबल और ले, उसका विकल्प यही है, और तरीका नहीं। अब कोई ये कहे कि मैंने स्वेटर भी पहन रखी और फिर भी सर्दी लगती है, क्या फायदा हुआ, मैं तो स्वेटर निकाल कर फेंक देता हूं, तो बोड़ी बूच होगा।
अब आपने नाम ले लिया, आपने जोत भी करा चढ़ा दी, जोत भी लगवा दी, धर्म पाठ भी करवा दिया, फिर भी आपके ऊपर थोड़ी बहुत आपत्ति है, तो पाप कर्मों की सर्दी बहुत भयंकर है। यदि देखो आपने कंबल ओढ़ लिया, कंबल ओढ़े हुए हो और फिर भी सर्दी लग रही है, तो क्या उस कंबल को फेंक देने से सर्दी खत्म हो जाएगी? नमूनिया होगा। कंबल ने जितना उसकी अक्षमता थी उतना प्रोटेक्शन आपका कर रखा है। अगर ये कंबल भी ना होता इतनी सर्दी में तो नमूनिया हो जाता आपको। तो ऐसे ही आपके ऊपर पाप कर्मों की सर्दी घनी है, और इतना कुछ धर्म करने के बाद भी थोड़ा बहुत ठूं ठाक की तरह हाथ पा ठंडे हो रहे हैं, तो क्या नाम छोड़ देने से आपको लाभ हो जाएगा? वो नाम रूपी कंबल को फेंक देने से, धर्म रूपी कंबल को फेंक देने से आपको हानि होगी। उसका तरीका है कि और बढ़ा, रजाई ओढ़नी पड़े रजाई ओढ़, और आग बाल कर सेंकना पड़े तो आग बाल कर हाथ पर सेंक कर अपना गर्मी प्राप्त कर। तो ऐसे ही इसी तरह धर्म और बढ़ा, पुण्य बढ़ा, पाठ और कर, जोत चढ़ा। जैसे एक टेबलेट ते पेट का दर्द ठीक ना होगा दो ले, एक दिन मना हो तो लगातार एक एक महीने भी गोलियां खानी पड़ जाती है, जब वो इलाज होगा उसी तरीके से। तो आपका जो ये पाप रूप कर्मी जो कर्म रूपी सर्दी से आप जो परेशान है, इसका यही तरीका है, और इसमें आपने पीछे नहीं हटना, आगे को बढ़ना चाहिए। और जिनके ये परमात्मा की खटक लग जाती है उनकी क्या स्थिति होती है? लागी का मार्ग और है, लागे चोट काल जा कर के, लागे चोट काल जा कर के, लागे चोट काल जा कर के, ला बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना, बन बीच भरतरी मारा ताण निशाना, कोई घड़ी सजी थी आवण की साधु का हो गया आना, कोई घड़ी सजी थी आवण की साधु का हो गया आना, कोई मुआ मर्ग जवा दियो नत तारे धरो न बाणा, कोई मुआ मर्ग जवा दियो नत तारे धरो न बाणा, जिंदा कर दिया डोर था सिस बण्या परीक्षा करके, शिष बण्या परीक्षा करक, शिष बण्या परीक्षा करक, लागी का मार्ग ओर है, लग चोट काल जा करक, लग चोट काल जा करक, लागी का मार्ग ओर है, लग चोट काल जा। गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगमा बाणा, गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगमा बाणा, गुरु महल जनान भेज थे भिक्षा का भोजन लाना, गुरु महल जनान भेज ते डोडी पे अलख जगाना, भोजन छत्तीसों छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना, व्यंजन छत्तीसों त्याग के भिक्षा का भोजन खाना, तन पड़ गया कमजोर था ना खाया उदर भर के, ना खाया उदर वर के, ना खाया उदर वर के, लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग
नागी का मार्ग और है, लग चोट काल दो कुरुक। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ। उठन आड़ी चीज रही ना, गया ओड सलानी सुआवा। उठन वाली चीज रही ना, गई गया ओड सलानी सुआ। कुछ नकसक बिगड़ा है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ। कुछ नकसक बिगड़ा है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ। जिन किया अचंबा गोर है, राज तजा काल से डर के। तुझा राज काल से डर के, तुझा राज काल से डर के। लागी का लग चोट काण जा करके, लागी का सुल्तानी मगन बैराग में। जिन तज दिया बलख बुखारा, सुल्तानी मगन बैराग में। जिन तज दिया बलख बुखारा, कद पालकिया में चालते, आज ठालिया गुदड़ भारा। कद पालकिया में चालते, आज उठा लिया गुदड़ भारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुण बासारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुण बासारा। वहां शोर मचारण वात में, ना देख्या पीछा फिर के, ना देख्या पीछा फिर के, ना देख्या पीछा फिर के। लागी का मार्ग लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके। लागी का बकुए में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली बासा। कुए में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली बासा। तुम चुन चुन कगा खा लियो रे मेरे हाड़ा पर का मासा। तुम चुन चुन कगा खा लियो रे मेरे हाड़ा पर का मासा। मेरे दो नैना मत छेड़ियो मोहे राम मिलन की आशा। मेरे दो नैना मत छेड़ियो मोहे राम मिलन की आशा। जिन करी तपस्या गोर थी वो होए आसरे हर के, वो होए आसरे हर के, वो वे आश्रय अर्क। लागी का मार्ग लग चोट काल जा करक, लग चोट काल जा करक। लागी का करके, लागी का मार्ग जो और है, लग चोट काल जा। पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी जठाई। पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी जठाई। वो नर पाड़ा जीत गए रजिन सिर दड़की बाजी लाई। नर वो पाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई। कह मंगलानंद चेतियो तुम सोच समझ मेरा भाई। कह मंगलानंद चेतियो रे कुछ समझ सोच समझ मेरा भाई। बिन चेते यू झूठा शोर है, कुछ जाइयो सुकर्म करके, कुछ जाइयो सुकर्म करके। कुछ
जाइयो रसो कर्म करके लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके लगे चोट काल जा करके लगे चोट काल जा करके लागी का सत्साही। अब इसे ये शब्द किसी भक्त अन्य उपासक जो था उसका बनाया हुआ है, फिर भी कथा कहानी जिसने भी दो जिस सत्र की भक्ति कर रहा है प्रेरणा इन्हीं महापुरुषों से मिलती है जिन्होंने परमात्मा पाने के लिए समर्पण किया, और परमात्मा उन्हीं को मिला है जिन्होंने तन मन शीश उस परमात्मा को तन मन धन सब तेरा और तेरा तुझको अर्पण के लागे मेरा। अब तो आप आते हो माया मांगने, अरे एक दिन ईसा दिखा दूंगा आप नो ऐसे लिया करोगे भर भर कजे आप मालिक के दरबार में उस देन आया करोगे लेन नहीं, क्योंकि आपके द्वारा किए शुभ कर्म इतने प्रफुल्लित होंगे और आपको माया की के अवगुण का पता लग जाएगा। फिर भी इस माया को जोड़ जोड़ कर इसके लिए दो नंबर का काम करके कर्म नहीं बिगाड़ सकते। तो समर्पण करोगे तन मन शीश ईश अपने पे, तन मन शीश ईश अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे जब कोई राम भगत गत पावे, ओ जी जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। कहने का सारी कुछ क्रिया प्रक्रिया आपको समझाने के लिए बताई गई है कि आप इस मार्ग पर लगो, उसी दिन से आप समर्पण कर दो या इस नाम को लो मत, इसको समझो। पहले हमने पुस्तक बना रखी वो ले जाओ, बार बार उनको पढ़ो अच्छी तरह, उनको ज्ञान को समझ कर आओ। नाम लो, सतनाम तो तब तक मत लेना जब तक आप इस ज्ञान को पक्का दृढ़ नहीं समझ सकते, समझ चुके हो, इसलिए हम लेट करते हैं। अब प्रथम नाम ले लिया थोड़ा बहुत खंड वंड हो गया तो चलेगा, और सतनाम लिए पाते फिर भी तुम गड़बड़ करते रहते हो तो उतना लेट हो जाओगा, लाभ आपको मिले तो होगा क्योंकि फिर शुरू करवाएंगे फिर स्टार्ट होगा। तो इतना आप डगमग होकर के विचलित भी हो सकते हो कि नाम हमारा लाभ नहीं हो रहा, लाभ इसलिए नहीं हो रहा कि आप अन्य मर्यादाएं नहीं निभा रहे जो निभानी जरूरी थी। तो उन सबसे पहले उनको निभाओ। दर्द एक दवाई देता है वैद्य, वो ये कहा करता है भाई दवाई से ज्यादा परहेज गणा काम करेगा। अब जैसे शुगर है किसी का और डॉक्टर कहता है भाई चीनी नहीं खानी, तो डॉक्टर को बॉडी बूझ थोड़ा वैसे कह रहा तू ये चीनी मत खाना, और तू फिर भी चीनी खा रहे हो, फिर कहते डॉक्टर साहब को लाभ तो हुआ नहीं। तो आपके साथ ऐसे बनता कईयों के साथ कि हम कहते हैं ये पूजा नहीं करनी, इनको त्याग देना, हम जो बताएं यही खाना, यही गोली खाना, अर्थात ये दवाई लेना, ये मंत्र जाप करना, और जो पहले तुम करते हो वो नहीं करनी चाहिए। फिर देखना रोज नए चमत्कार आपके घरों में होंगे, आपका थूक सूख जाएगा दुनिया को लाभ बताते बताते कि हमारे घर में ऐसा लाभ हुआ ऐसा। एक परिवार को यहां खड़ा कर दूं जिसने 5 वर्ष 6 वर्ष हो गए नाम लिए ने, जिन्हें सच्चे नीत भक्ति की है मर्यादा में रहते हुए, आप उसके सैकड़ों सुख सुन सकते हो, ये वो कबीर भगवान के दिए हुए, और आपके घर में भी होंगे। अब परमात्मा कहते हैं भाई, कबीर साहब कहते हैं जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आवे, गरीब दास करो बंदगी बहुर न ऐसा दाव। ये भी दाव लगे आपका, ये कलयुग का समय, ये वो पीढ़ी पिछली पीढ़ी का समय रहा आपका मनुष्य जीवन बहन भाई बेटी का। और अब कहते समझा है तो सिर दर पाओ बहुर नहीं रे ऐसा दाव। ये समय मनुष्य जीवन और ये दास तत्वदर्शी संत परमात्मा कबीर जी का भेजा हुआ ये सारे नंबर कदे कदे मिलाकर अरीब जो पाछा रह गया अब भी कोई नहीं पार हुआ तो उसके साथ नालायक नहीं धरती पे। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वसृष्टि रचनहार बंदी छोड़
कबीर साहब, कबीर देव, अल्लाहु अकबर, ये वो परमेश्वर है जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की, जो हम सब का मालिक है, हम सब का वो पिता है। ये वो परमात्मा है जो बनारस में, काशी शहर में, भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर काशी शहर के अंदर एक लहर तारा नामक तालाब के अंदर विकसित कमल के फूल के ऊपर एक नवजात शिशु धारण करके वो परमात्मा प्रकट हुए। वो परमात्मा अपने सतलोक से चलकर यहां आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को आकर मिलते हैं, और इस काल के द्वारा फैलाए गए अज्ञान को समाप्त करने के लिए उन अपनी प्यारी आत्माओं को अपने द्वारा रची हुई सृष्टि तथा संपूर्ण आध्यात्मिक तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा प्राप्ति कोई कठिन विषय नहीं है, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति के लिए मानव शरीर हो, पूर्ण संत हो, पूर्ण संत से उपदेश प्राप्त हो, और आपकी सच्ची श्रद्धा और सच्ची लगन हो, अपना दैनिक कार्य स्वाभाविक कर्म करते हुए जिसका जैसा भी कोई कार्य है उसको करते करते आप परमात्मा प्राप्ति कर सकते हो। इसमें जो सबसे कठिन कार्य काल भगवान ने बना दिया वो ये है कि परमात्मा को कैसे पहचाने। जब तक हमें ये दृढ़ विश्वास नहीं होगा कि ये लाल है तो हम उसकी पूरी कीमत नहीं दे सकेंगे। जिसमें हमें ये पक्का विश्वास हो जाएगा कि ये लाल है तो सौदागर उसकी पूरी कीमत देने में आनाकानी नहीं करता। अभी तक हम अपने परमात्मा, अपने मूल मालिक, अपने पिता को नहीं पहचान सके, और हम इन ब्रह्मा विष्णु महेश जी, ब्रह्म परब्रह्म, इन्हीं तक के ज्ञान से रंगे हुए थे, और हमारी साधना का जो टारगेट था, हमारी साधना की जो अंतिम पहुंच थी वो ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु और शंकर जी तक ही थी। ब्रह्मा जी को तो हम दंत कथाओं के आधार से रिजेक्ट किए हुए थे कि ब्रह्मा की पूजा नहीं करनी, ऐसा नहीं है, ये भी गलत बात है। ये तीनों एक जैसे एक ही सत्र के, श्री ब्रह्मा जी, श्री रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी, तमगुण श्री शिव जी, ये एक ही सत्र के भगवान हैं, इनकी एक जैसी पावर है, इनके विभागों का अंतर है। जैसे यहां विभाग है, जैसे कोई होम मिनिस्टर है तो गृह मंत्री की का महत्व ज्यादा है, प्रत्येक व्यक्ति गृह मंत्री को ज्यादा महत्व देता है, और दूसरा कोई वित्त मंत्री है या कोई उद्योग मंत्री है तो उनको ज्यादा महत्व देते हैं, और एक सैर सपट्टा मंत्री हो तो उसकी तरफ विशेष ध्यान नहीं होता, वो उसको हम विशेष महत्व नहीं देते क्योंकि उसका जनसाधारण से कोई लिंक नहीं होता, ना कोई बेनिफिट विशेष वो दे सकता। तो ऐसे विभाग का अंतर है, श्री ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के मंत्री हैं, ये केवल सृष्टि जीवों से ये संतानों उत्पत्ति करवाते हैं, दैट्स ऑल। और विष्णु जी सतिथि रखते हैं और इनको कथित रूप से पालन पोषण का भी कहते हैं, ये पालन पोषण करता है।
लेकिन पालन पोषण तो एक ही परमात्मा वो पूर्ण ब्रह्म ही करता है। और शिव जी को इसलिए पूछते हैं कि रिधि सिद्धि इसके पास है और ये एकादा खिलौना साधक को दे देता है, फिर उसके आधार से ये सिद्ध पुरुष नाथ ये फिर हल्दी की गांठ प्राप्त करके पंसारी बन जाते, इसलिए इनका महत्व ज्यादा है। लेकिन अन्यथा ये तीनों भगवान एक ही सतर की शक्ति के हैं। अब सबसे पहले हमने परमात्मा को पहचानना है, वो कौन है वो परमात्मा जो हमें पूर्ण मोक्ष दे सकता है। वो परमात्मा कहां से पहचाना जाएगा, उसको पहचानने के कौन से हमारे पास प्रूफ प्रमाण होने चाहिए जो हमें मान्य हो। उनमें से हम सर्वप्रथम वेदों को महत्व देते हैं। हिंदू पवित्र हिंदू धर्म के अंदर वेदों का नाम सर्वोच्च है और कोई भी व्यक्ति ये कहने वाला नहीं है कि वेदों का ज्ञान गलत है। एकाधे कुछ सिरफिरे हैं वो ये कहते हैं वेद भी तो एक किसी इंसान ने लिखे हैं, व्यास जी ने लिखे हैं, और गीता जी भी तो व्यास जी ने लिखी है, वो भी तो उन्हीं का अनुभव है। और कुछ ये कहते हैं जैसे विशेषकर राधा स्वामी वाले, राधा स्वामी पंथ वाले ये कहते हैं कि हम वेदों और गीता को नहीं मानते, वो भी तो किसी संत व्यास जी द्वारा लिखे उनका अनुभव है, हम तो अपने गुरुओं की हमारे गुरु संत ने जो ज्ञान दिया है वो वेदों से भी न्यारा है, वेदों से भी उच्चतम है। तो पुण्यात्माओं इन ऐसी व्याख्याओं से कुछ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ईब कलयुग में अभी 150 वर्ष से यह बिजली गिरी है कि वेदों को भी नकारा करने लगे कुछ व्यक्ति, क्यों करने लगे कि वेदों का ज्ञान नहीं था हमें। तो सबसे पहले तो एक 10 मिनट का सत्संग इस राधा स्वामी पंथ का ही कर देते हैं जो वेदों को भी नकारा करते हैं और कहते हैं हमारे गुरु जी शिवदयाल जी वो परम धनी थे, उनका ज्ञान अद्वितीय है।